पांच राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने तीन राज्यों में बढ़त हासिल की है और सरकार बनाने की ओर है, तो वहीं कांग्रेस में अगर माना जाए तो सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें सहारनपुर में भी राजेश पायलट जो कि सचिन पायलट के पिता हैं उनका भी सहारनपुर से गहरा नाता रहा है, क्योंकि सचिन पायलट का यहाँ जन्म हुआ है और जो जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है जैसा कि माना जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ गुर्जर समुदाय के लोगों में भी काफी उत्साह है। जानेंगे उनको कि उस खुशी को किस तरह से वो बांट रहे हैं। आपका नाम? मैं नवाब गुजर, सहारनपुर। जैसे सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि सहारनपुर से विशेष नाता रहा है। माननीय गृह मंत्री रहे राजेश पायलट जी, तो तब से सहारनपुर से रिश्ता रहा। उससे पहले सर्विस की है, नौकरी की है, यहीं पे किराए पे मकान में रहे हैं पायलट जी, और जहां आज सचिन पायलट जी पहुंचे हैं उसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत समय लगा, लेकिन हमें खुशी है कि आज वो बुलंदे छू रहे हैं और डिप्टी सीएम बन रहे हैं। हम तो चाहते थे कि वो सीएम बने और हमें तब अच्छा लगता कि अपने जनपद का, सहारनपुर का एक छोटा सा किसान, छोटा सा व्यक्ति आज राजस्थान का डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज के लोग हैं उनके अंदर काफी उत्साह है इस बात को लेकर कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है सचिन पायलट को। और इसी बात में लेके जो है हमारे साथ और वरिष्ठ नेता जो मौजूद हैं गुर्जर समाज के, उनसे भी जानेंगे कि क्या किस तरह का नाता उनका सहारनपुर से रहा है। आपका नाम? मैं चौधरी राजपाल सिंह, चेयरमैन गन्ना संघ उत्तर प्रदेश रहा हूँ। बताइए जरा, जो सचिन पायलट को जो नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, कहाँ क्या समझते हैं आप, क्या उत्साह है आप? बहुत उत्साह है, बस जरा सी एक दिक्कत आई है। हम चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, हमारी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई होंगी। वो डिप्टी सीएम भी बहुत बड़ा काम करेंगे और सबके लिए काम करेंगे और देश को महसूस कराएंगे कि मैं डिप्टी सीएम नहीं, सीएम हूँ। और सचिन पायलट जैसे बताया जा रहा है, उनके पिताजी जो है सहारनपुर में यहाँ कई वर्षों तक रहे हैं। हाँ, उनका यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता था, वो यहाँ पर एयरफोर्स में भी रहे हैं, इसके बाद में उनका हमारा और उनका निजी रिश्ता रहा है। राजनीति अगर उन्होंने शुरू की तो सहारनपुर से शुरू की है। तो जैसे बताया जा रहा है कि वो बहुत ही एक छोटे परिवार से थे, उन्होंने काफी मेहनत की है, छोटे किसान थे वो। हाँ, परिवार तो छोटा था, किसान भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने सर्विस की है, सर्विस करने के बाद में ठीक पॉलिटिकल आदमी रहे, राजनीति में बहुत अच्छा उनका सिस्टम रहा और बहुत ईमानदार आदमी रहे। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा आज डिप्टी सीएम है, ईश्वर से सीएम बनाए और ये एक बार हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ देश के लिए कर चले, तब हमें सब लोगों को बड़ा संतोष होगा। देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है सचिन पायलट के डिप्टी सीएम बनने पर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके अंदर क्या उत्साह है सचिन पायलट के सीएम बनने के लिए। बहुत अच्छा है, हमें बहुत खुशी होगी सहारनपुर से। देखिए, इनका भी कहना है कि सहारनपुर से सचिन पायलट का बहुत गहरा नाता रहा है और उनको जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है इस बात को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में बहुत उत्साह है। राम कुमार पुंडीर, ईटीवी न्यूज, सहारनपुर।